चंद्रशेखर बावन कुए द्वारा आज पत्रकारों से विविध मुद्दों पर संवाद साधा। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील की है कि नरेंद्र मोदी को इस बार भी चुनकर लाना है, क्योंकि 2024 से 2029 तक विकसित भारत का संकल्प किया है और भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक सत्ता बनाने की नरेंद्र मोदी की गारंटी है। और क्या एजेंडा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में मध्यम वर्गीय आर्थिक दुर्बल परिवारों के लिए 45 योजनाएं केंद्र सरकार ने देश के और राज्य के हित के गरीब आदमी के लिए और सबके लिए तैयार की है। किसानों के लिए तैयार की है, व्यापारी के लिए तैयार की है। ऐसा कोई वर्ग नहीं देश का और महाराष्ट्र का जहां पर मोदी जी ने उनकी सरकार से योजना के माध्यम से इस देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी के ऊपर लाने का काम मोदी जी ने किया है। हमारे पास सारे आंकड़े हैं, हमारे पास सारे लाभार्थियों की सूचियां हैं। हम हर घर जा रहे हैं, मोदी जी का नमस्कार हम बता रहे हैं, मोदी जी का नमस्कार हर घर तक पहुंचा रहे। हम मोदी जी के विकास की योजना को हम घर घर पहुंचा रहे। जो छूट गए उनको, लाभार्थियों को योजना देने के लिए हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है 45 योजना के माध्यम से मोदी जी ने महाराष्ट्र को जो दिया है पिछले 50 साल कांग्रेस पार्टी के और मोदी जी के 10 साल और आने वाले 24 से 29 में जो मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है, विश्व में तीसरे नंबर का भारत की आर्थिक महासत्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मोदी जी ने 24 से 29 का जो संकल्प पत्र देने वाले हैं, वो संकल्प पत्र जब जनता पढ़ेगी तो मोदी जी की गारंटी, विकसित भारत की गारंटी और जो मैनुफैक्चर आएगा विकसित भारत का, मुझे लगता है देश की जनता केवल मोदी जी को चुनेगी, महाराष्ट्र की जनता मोदी जी को चुनेगी। 45+ होकर लेकर हम तो ये कहते हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, तीसरी बार मोदी जी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री की, हमारे 45 सांसद माननीय मोदी जी को समर्थन देने के लिए वहाँ खड़े रहेंगे। मैं निश्चित रूप से दावा करता हूँ।